तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम एक ज़बरदस्त गोल्ड शॉट का रिव्यू करने वाले हैं। टाइमिंग, पोजीशन, लेंथ सब कुछ भाई आपको बताने वाले हैं, वो भी भाई मल्टीप्लेयर के अंदर। तो गाइज थंबनेल देखकर आपको भी नाम पता चल गया होगा, उस शॉट का नाम है 163 गोल्ड शॉट है दोस्तों। सबसे पहले हम उसे खरीद लेते हैं चल के। शॉट बुक में आपको जाना पड़ेगा क्योंकि भाई ये पुराना शॉट है, किसी की बहुत लोगों के पास ये शॉट है भी। देख लीजिए ये रहा 163 नंबर शॉट, इसे हम सबसे पहले परचेज कर लेते हैं भाई। 8 फ्रेगमेंट चाहिए गोल्ड आपको, हर वीक का कलेक्ट करना पड़ेगा, 8 दिन में आपके हो जाएंगे। तो देख लीजिए फाइनली हम इसे खरीद लिए हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं शॉर्ट मैप में, आप देख लीजिए शॉर्ट मैप में दोस्तों इसका डायरेक्शन है 4 o'clock पे। एडवांस शॉट है यानी कि स्पेशल शॉट है, 163 सबके लिए अवेलेबल है, यहाँ पे करके आप सेव कर दीजिएगा। और सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की कि किस किस लेंथ को ये कनेक्ट करता है। तो दोस्तों ये दो ही लेंथ की बॉल को कनेक्ट करता है, पहला गुड लेंथ और भाई दूसरा शॉर्ट लेंथ। वहीं बात करते हैं अब टाइमिंग की। तो गाइस देख लीजिए स्पिनर की धीमी गति के अंदर तो आपको कैसे खेलना है, देख लीजिए जब बॉल एकदम पीच होने वाली हो उस टाइम आपको खेलना है, अगर धीमी गति की हो स्पिनर की तब बहुत ही अच्छा कनेक्शन होगा। और स्पिनर की तेज़ गति की गेंद को भाई हाफ पिच पे खेलना है, ध्यान रखना भाई। देख लीजिए एकदम धीमी गति की गेंद हो भाई तो एकदम ऐसे खेलिएगा, लेट खेलना है यानी कि जब पिच होने वाली हो बॉल तब आपको खेलना है धीमी गति की गेंद को। और भाई शॉट के स्पिनर के अगेंस्ट फ्लिपर बॉल पे आप इस शॉट को मत खेलिएगा क्योंकि भाई कमर की नीचे की गेंद को भाई ये शॉट कनेक्ट नहीं करता है, गुड लेंथ और शॉर्ट लेंथ की बॉल को कनेक्ट करता है। आप देख लीजिए फास्टर की सबसे तेज गति की गेंद है यानी कि बहुत ही तेज गति की गेंद है, तो हाथ से जैसे ही बॉल छूटने वाली हो उसी टाइम आपको खेलना है अगर एकदम तेज हो तब, और धीमी हो भाई तो आपको हाफ पिच पे खेलना है। अब बात करते हैं पोजीशन की। तो भाई देख लीजिए पोजीशन आपको भाई बॉल से 3 स्टेप की दूरी रखना है क्योंकि भाई ये चल के 2 स्टेप आगे आता है उसके बाद ही शॉट को कनेक्ट करता है। तो भाई जो पोजीशन होता है वो एंगल पे भी डिपेंड करता है, ज़्यादा बॉल अंदर आए तो 3 स्टेप की दूरी रखिएगा आपके सामने है देख लीजिए, और बॉल अगर स्ट्रेट रहे तो भाई आपको 2 स्टेप की दूरी रखना है, और बाहर निकले तो 1 स्टेप की दूरी रखना है कुछ इस तरह से देख लीजिए, क्योंकि भाई ये चल के जो होता है ना कि 2 स्टेप बल्लेबाज आगे आता है उसके बाद ही शॉट को खेलता है। आप देख लीजिए यहाँ पे क्लिप में देखिए चल के आया भाई 2 स्टेप आगे उसके बाद ही शॉट को खेला, बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है, गुड लेंथ और शॉर्ट लेंथ के लिए बहुत बढ़िया शॉट है दोस्तों। अगर आपके पास ये शॉट नहीं है तो आप इसे खरीद सकते हैं, बहुत ही बढ़िया शॉट है गुड लेंथ और शॉर्ट लेंथ के लिए। वहीं गाइस अगर रेटिंग की बात करें तो मैं 10 में से इसे 8 की रेटिंग दूंगा, आप कितना दीजिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही तगड़े तगड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमेशा आपको एक से बढ़कर एक तगड़े तगड़े वीडियो मिलता रहे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।